तो आज हम आ गए ग्वालियर के मशहूर छोटे लाल कचौरी वाले की शॉप पे, और इनके यहाँ की जो बेदही पूरी है, इमरती है, यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है। तो चलिए चलते उसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए। छोटे लाल कचौड़ी वाले के नाम से दुकान है ये। कितने साल से ये? 42 साल हो गए दुकान को। इधर बड़े भैया है हमारे, उनका नाम से दुकान थी। बेगर नाम की बोर्ड है, चलती है, कोई बोर्ड वोट का वो नहीं है हमारे पास। क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर है एमआरती कचौड़ी समोसे मिलते हैं, और आलू बड़े हैं, जैसे बेड़े ही हैं। ये सवेरे चलता है, सवेरे से लेके रात के 10 बजे तक चलता है। तो यहाँ पे जैसे एकदम कढ़ाई भर के यहाँ पे इमरती बनाई जा रही है, एकदम फटाफट काम चला हुआ है, फटाफट यहाँ पे इमरती बनती रहती है, फटाफट बिकती रहती है। फिर देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। अंकल जी ऐसा काम चलता रहता है पूरा दिन? हाँ पूरा दिन। पसंद करते हैं इमरती लोग यहाँ की? इमरती बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, कचौड़ी समोसा सभी चीज़ पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम होता है वो सब ग्राहकों के सामने होता है, खुद ग्राहक अपने आंखों से देखते हैं। खास बात है इनकी सेटअप एकदम सामने लगाया हुआ है, जो भी चीज़ें लाइव बनती है, ऐसा नहीं कि कहीं पीछे बनाते हैं, किचन पीछे रहता है बाकी लोगों का, एकदम सामने सब चीज़ें बनती है, साफ सुथरी चीज़ें बनती है। तो जो जो इमरती गर्म होती जा रही है, एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आता जा रहा है, वो रेडी होती जा रही है, उसको चाशनी में डुबोते जा रहे हैं यहाँ पे। तो जलेबी और इसमें फर्क क्या रहता है? जलेबी मैदे की बनती है जी, उड़द की दाल की बनती है। उड़द की दाल की बनती है। ग्वालियर में छोटे लाल जी के यहाँ पे समोसे रेडी हो रहे हैं, एकदम देख सकते हो गोल्डन कलर आ रहा है इसमें, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको बनने में। तो देख सकते हो यहाँ पे समोसे की फिलिंग हो रही है, तो जो लेडीज रहती है वो अंदर का काम करते हैं, और जो भी समोसे की स्टफिंग रहती है यहाँ पे बनती है। तो आप पूरी फैमिली काम करते हो यहाँ पे? हाँ पूरा परिवार काम करता है, तो सारे लोग मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी बेड़े लगने जा रही है, गर्मा गर्म तेल में यहाँ पे पूरी लगाई जाएगी। तो लोग यहाँ पे नाश्ते में इसको काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, शाम को भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसको खाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? यहाँ बस आप इमरती आप पसंद करते हैं, कचौड़ी समोसे सबसे ज़्यादा। यहाँ इमरती फेमस है पूरे ग्वालियर के अंदर, कहीं भी पूछोगे आप सामने इमरती वाले नाम से। तो बेड़े ही देख सकते हो फूल के ऊपर आ चुकी है, गोल्डन कलर आ चुका है, बढ़िया से गोल्डन आ चुका है, और क्रिस्पी हो चुकी है। तो बेड़े यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, तो उसको जल्दी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे ही। तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जी डलने जा रही है, आलू की सब्जी रहती है, जो कि लोग यहाँ पे काफ़ी खाना पसंद करते हैं। बेड 10 रुपये नग समोसा है, 10 रुपये नग, 10 रुपये नग है। हाँ सामने ताई दाई बनती है हाल के हाल। पाड़न चौराहा है ना, एड्रेस जाएंगे। तो ग्वालियर की फेमस छोटे लाल जी की फेमस बेदही पूरी यहाँ पे लग चुकी है, साथ में मैंने लगाई इमरती, जो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले ट्राई करूँगा बेदही पूरी को। तो इन्होंने 2 पूरी दी हुई है, साथ में इन्होंने ऊपर से डाली आलू की सब्जी, ग्रीन चटनी और थोड़ी सी रेड चटनी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एकदम बढ़िया से जो उन्होंने मसाले में आलू सब्जी लगाई है, काफ़ी टेस्टी है। तो साथ ही साथ जो उन्होंने ग्रीन चटनी रेड चटनी डाली है, काफ़ी अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रही है इसको, बहुत ही अच्छी है, करारी सी पूरी है। और सब्जी अगर खाएंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। बात कर लिया इसकी प्राइस की, 10 रुपये की एक पूरी रहती है, अगर आप 2 लगाओगे तो 20 रुपये की प्लेट रहती है। तो साथ ही साथ इमरती रहती है, इसका प्राइस भी 10 रुपये रहता है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे इनकी खास बात यह है कि एकदम लाइव बनाते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं, और जो इमरती काफ़ी जूसी रहती है, काफ़ी ज़्यादा रस रहता है उसमें, और 10 रुपये में आपको इतना सस्ता वाले में कहीं नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे आके बेदही पूरी खाइए, उसके बाद खाइए इमरती, काफ़ी टेस्टी है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।